गॉड भाई, यार मम्मी मारेंगी। छुट भाई, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोज हु आर न्यू, हाई माई नेम इज़ माधुरी एंड आई मेक वीडियोज़ ऑन मेकअप, स्किन केयर एंड फैशन। सो इस वीडियो में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम है, वरना मम्मी आ जाएंगे एंड मेरे बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाएगी। सो आई एम गोइंग टू कट माई हेयर, ठीक है। सो मैं अपने बाल कट करने वाली हूँ खुद। ज़्यादातर वीडियोज़ में आपने देखा हुआ या सब लोग बोलते हैं कि हेयर वॉश करने के बाद हेयर कट करना चाहिए, तो क्या पता चल जाती है कितना कट रहा है कितना नहीं कट रहा। तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया, मेरे बहुत ज़्यादा गंदे बाल है, 3 दिन से मैंने हेयर वॉश नहीं किया एंड मुझे आज हेयर वॉश करना था, इसलिए मैं हेयर कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना है। आप लोग समझ गए होंगे। तो हेयर कट करने के लिए सबसे पहले तो पुराना कोई भी टी शर्ट पहन लो जो जिसमें बाल नहीं जाएँ और आपकी मम्मी डांट नहीं लगाए। आप एक कपड़ा बिछा लो या फिर न्यूज़पेपर बिछा लो जिससे जो भी बाल हैं वो उसी पे गिरे। तो आपको क्या चाहिए, एक कोम्ब, सीजर, ऑयल। ओके, सो ऑयल मैं बाद में लगाऊंगी इसलिए ऑयल को हम हटा देंगे। सीजर, कोम्ब, एक रबर बैंड, बेकार सी एक रबर बैंड एंड क्या बोलते हैं, मिरर, ठीक है। आई शेडो पैलेट वाला मिरर यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे को बड़ा मिरर मिल नहीं रहा है। तो अब देखते हैं कैसा हेयर कट होगा, मुझे नहीं पता। ऊपर से ये वीडियो मैं बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता मैं कैसे रिकॉर्ड हो रही हूँ, कैसे ये वीडियो टर्न आउट होगा। इन टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं वरना समझ गए होंगे मम्मी आ जाएंगी। ओके, सो पहले तो फ्रंट का सेक्शन कट करूँगी। तो आगे से आप देख सकते हो कितने बड़े बाल हैं, लाइक कुछ भी कट नहीं हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिडिल पार्टीशन करूँगी, शायद हो रखा है या फिर अभी देखती हूँ फिर करती हूँ, ठीक है। मतलब परफेक्ट नहीं है मिडिल पार्टीशन और मेरा ब्लश इग्नोर कर देना, ज़्यादा लग गया है। सो वी विल डू मिडिल पार्टीशन, वही सेम पार्टीशन हो गया है, लाइक इतना बहुत है, ठीक है। जैसा भी मिडिल पार्टीशन हो जाए, मैं क्यों सिखा रही हूँ ऐसे, वैसे मेरे को भी नहीं आता तो मेरे को देख के तो बिल्कुल मत सीखना और मेरे को देख के ट्राई भी मत करना हेयर कट करने का। बाई चांस ख़राब हो गया तो फिर मत कहना कि तुमने ख़राब करवा दिया। तो ऐसे एक ट्राइंगल बनाएंगे, शायद अच्छा बन जाए ट्राइंगल, होपिंग बना क्या। अब जहाँ से हमने ये ट्राइंगल लिया है सेम इधर भी सेम ट्राइंगल बना लेंगे हम। इतने बाल में पूरे कट करने जा रही हूँ तो इसको अच्छे से कोम कर लो। देन इस पे हम एक रबर बैंड टाई कर लेंगे। मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो है, सो जब तक ये वीडियो चलेगी तब तक देख लेना, नहीं चले तो समझ जाना चार्जिंग ख़त्म हो गई है। ये आगे कर लूँ छीन लूँगी वरना मैं। ओके, सो हमने ये बना लिया है, इतनी लेंथ रखूँगी। पहले तो स्ट्रेट कट कर लें, ट्विस्ट करके बाद में कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रेट कट कर दूंगी सीजर से, पक्का कर दूँ। ओह नो, ओह गॉड, शिट भाई, यार ये कैसा एंगल कट हुआ है यार। ठीक है, अभी एकदम स्ट्रेट हो गया, आप देख सकते हो, मतलब एकदम ऐसे। एक बार मैं ट्विस्ट करके इसको, एंड एक ही ट्विस्ट किया मैंने, ऐसे कट ऑफ कर दूंगी। यार ये क्या हो रहा है, शिट भाई, पूरे मेरे कपड़ों पे बाल बाल हो गए, ठीक है। मेरे से सीख के तो बिल्कुल मत करना। उसके बाद एक पॉइंट कट ऐसे कर देंगे, ऐसे करके। नीचे के सबको मैं बैलेंस भी कर दिया, ठीक है। सो लेट्स सी रिवीलिंग टाइम कैसा आता है ये। 3, 2, 1, कैसा आया। अयो, ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, लेट मी सी। ठीक है, इतना बुरा भी नहीं, ये थोड़ा अलग सा है ना, ठीक करूँ मैं इनको। एक तो मेरे बाल ऐसे चंपू से हो रहे हैं यार, मम्मी मारेंगी।
छुट्ट भाई ज़्यादा छोटा हो गया, मुझे इतना लेंथ चाहिए था। वैसे ये चीज़ तो अच्छी लग रही है, बड़ा छोटा फिर बड़ा 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 ऐसे करके अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हम नहीं बोलेंगे बुरा लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं नीचे से कट करूँ या नहीं करूँ मुझे नहीं पता। तो नीचे से मैं सिर्फ ट्रिम कर रही हूँ, उसके लिए सेम वही मिडल पार्टीशन करूँगी मैं, और इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। इनको भी हम रबो बैंड से टाई कर लेंगे। देखो मेरे को नहीं आता ना, मैं प्रोफेशनल हूँ उस चीज़ में, मैं तो बस जो आ रहा है मैं वो कर रही हूँ, मेरे को कुछ आ भी नहीं रहा वैसे तो। उसके बाद यहाँ से मैं हल्का हल्का ट्रिम कर दूंगी, बस ऐसे सीधा ट्रिम और थोड़ा सा पॉइंट कट बस, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि टेढ़े मेढ़े वैसे बाल हो रहे हैं। बाकी मैं आपको हेयर वॉश करने के बाद दिखाऊंगी कैसा लगेगा ये। जब मैं वीडियो बना रही तभी सब लोग बहुत तवाज़े करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट कट कर दिया, अब पॉइंट कट करेंगे इसको यार। सो इस साइड मैंने ट्रिम करके पॉइंट कट कर दिया है, आई होप ये ठीक लग रहा हो। यू कैन सी द डिफरेंस, शायद दिख रहा हो, इतना इतना बाल कटा है मैंने, इतना कट करेंगे हम। ठीक है, आई थिंक मम्मी आ गई। शिट यार जल्दी, मेरे को मना किया था मम्मी ने कि अब तो 2 साल तक हेयर कट नहीं कराएगी, मैंने कहा ठीक है मैं खुद कर लूँगी। इसको पॉइंट कट कर देंगे सेम, देखना बराबर कैसे देखूँ बराबर है कि नहीं है, लेट मी सी सामने से बराबर। ओ यार एक ऊंचा नीचा नहीं लग रहा है, ये वाला ऊंचा लग रहा है, ये वाला नीचा लग रहा है। हाँ यार इसको और कट करूँगी मैं, ऐसे कटते करते ऊपर तक ना पहुँच जाए। स्टिल मुझे ये लंबा लग रहा है, पर ठीक है अब बराबर है ना, अब बराबर है। इतना हेयर कट कर खोल के देखो, ठीक है बेकार भी होगा तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, अब तो हो गया ठीक लग रहा है, अच्छा है। एक और लेयर कट करके देखो, यहाँ के लेयर यहाँ पे भी लेयर दूँ क्या, नहीं यार अभी इतना ही सही है। सो ये था मेरा हेयर कट, बाकी मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ जल्दी फटाफट। नेक्स्ट हम हेयर ऑयलिंग करेंगे इस वाले ऑयल से, फिर हेयर वॉश भी करना है। दिस इज़ दी अमाउंट ऑफ हेयर जो मैंने कट कर दिए, वाइप वॉश कर दी। सो दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक्स आफ्टर वॉश, सो मैंने वॉश कर लिया उसके बाद ये लग रहा है, दिस इज़ हाउ द कट इज़, आई लव इट, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फेस जो है वो फ्रेम हो गया और अच्छा लग रहा है, एंड अब थोड़ा लाइक डिफरेंट फील आ रहा है। हेयर कट के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा फील आता है। आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, क्योंकि मैंने इतने सारे बाल कट करे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं हेयर कलर करूँ, शायद मैं कर सकूं, ठीक है, या फिर मैं और हेयर कट करूं या फिर कुछ और नया एक्सपेरिमेंट करूं, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।